आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेंगलुरु में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम का शुभारंभ पवित्र तुलसी के पौधे को जल अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री जी ने इंटरेक्टिव सेशन में आए निवेश प्रस्ताव की जानकारी दी। मुझे इस बात का संतोष है कि कुल मिलाकर के लगभग 3200 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव और लगभग 7000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना का एक अनुमानित आंकड़ा हमारे को मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेंगलुरु में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर बेंगलुरु में इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन सफल रहा। 2 दिवस से बेंगलुरु यात्रा के दौरान बेंगलुरु के विभिन्न सेक्टर के उद्योगपतियों से संपर्क कर मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इस पूरे आयोजन में 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की। 30 से अधिक उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग की गई। 15 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मिशनरों ने भागीदारी की। 4 विभागों द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया। 3 कंपनियों के द्वारा उनके अनुभव साझा किए गए। इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने एबीजीसी एक्सआर नीति 2024 को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमा में उपस्थिति में कार्यक्रम में एमपीएस ईडीसी मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एसोसिएशन टीआईई ग्लोबल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ जियो स्पेशियल इंडस्ट्री के मध्य एमओयू हुए। इंटरेक्टिव सेशन में मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कम समय में ही दुनिया में 5वीं इकोनॉमी बनकर उभरा है। नवीन अनुसंधान की नई परंपरा में नवीन स्टार्टअप के माध्यम से जो मार्ग खुला है उसे पूरी दुनिया भारत की ओर देखेगी। निवेशकों को मध्य प्रदेश बुला रहा है। व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निवेशकों की जो भी जरूरत होगी उन्हें हमारी सरकार पूरा करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बेंगलुरु में प्रमुख उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1-to-1 चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापित एवं विकसित करने के लिए हर संभव मदद और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीसीसी को प्रदेश में स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों से लगातार संवाद का क्रम जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आईटी सेक्टर, एनर्जी और माइनिंग जैसी बड़ी संभावनाओं वाले सेक्टर्स के निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर बड़ा उत्साह दिखाया है। इस माह की 28 तारीख को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने सभी निवेशकों और उद्यमियों को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता पूज्य आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी से शिष्टाचार भेंट की। आज पुरुष हॉकी टीम को ओलंपिक्स गेम्स में कांस्य पदक जीतने पर मुख्यमंत्री जी ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर में 9 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि अब क्षेत्र के हर खेत तक चंबल का पानी पहुंचेगा। सिंचाई को लेकर किसानों को अब किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय विश्वविद्यालयीन कर्मचारी महासंघ के 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं बैठक का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सुसंस्कृत समाज देश को विश्व गुरु बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, आज वो बात साकार हो रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने वल्लभ भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की समस्त जिला पंचायत व जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ विभागीय साप्ताहिक बैठक के दौरान विभिन्न विषयों के साथ हर घर तिरंगा अभियान को लेकर चर्चा की।